हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन एक्सरसाइज 10E नूतन आरबी त्रिपाठी। और अपना टॉपिक जो चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, ठीक है, वो चल रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू, माने उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना किसी फलन के। आज हम लेते हैं सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, ये दो सवाल हैं इसमें। एक है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं। तो जब भी हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करेंगे, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, तो ये आप लोगों को अभी तक पता चल चुका है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा टर्निंग पॉइंट पर ही मिलेगी। अब टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स लिया, इसका डिफरेंशिएशन 1/x किया। अब यहाँ लिखेंगे फोर टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट हिंदी में बोलते हैं इनको परिवर्तन बिंदु, ठीक है। परिवर्तन बिंदु के लिए एफ डैश एक्स को हम 0 करेंगे। एफ डैश एक्स है हमारा 1/x, ठीक है। अब हम यहाँ एक्स की कोई भी वैल्यू रखें, ये 0 हो ही नहीं सकता। अतः एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो 1/x को 0 कर दे। इसका मतलब हम यहाँ बोल देंगे नो टर्निंग पॉइंट। तो जब किसी ग्राफ के, जब किसी फंक्शन के कोई भी टर्निंग पॉइंट ना निकलें, माने एफ डैश एक्स को 0 करने के बाद एक्स की कोई वैल्यू ना निकलें, तो हम बोल देंगे फंक्शन ना तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट मान रखता है। मतलब लिखेंगे देयर फोर फंक्शन हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यूज। ओके, फिनिश। अब इसका सेकंड पार्ट वो भी लगभग ऐसा ही है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 दे दिया है उन्होंने, ठीक है। तो एक्स प्लस 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो एक्स का 1, 5 का 0। तो एफ डैश एक्स कितना है, 1। माने एफ डैश एक्स को मैं 0 करूँगा तो परिवर्तन बिंदु के लिए क्या करना है, एफ डैश एक्स 0 करना है। तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये भी मतलब एफ डैश एक्स को 0 करने वाली कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तो एब्सोल्यूट कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई। तो इसमें इस पोजीशन में भी लिख देंगे देयरफॉर एफ एक्स हैज नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मतलब हम लिख देंगे अगर कोई फलन दिया है, अगर उसको अवकलन किया, अवकलन करने के बाद एफ डैश एक्स को 0 करें, 0 करने के बाद एक्स के कोई भी मान ना निकलें, परिवर्तन बिंदु ना निकले, तो उस समय कह दिया करो कि फलन का ना तो उच्चिष्ट मान होगा ना निम्निष्ट मान। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 1 एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू इंटरवल -2, 2। नंबर 2 एफ एक्स इक्वल टू एक्स -1 होल स्क्वायर + 3 इंटरवल -3, 1। तीसरा एफ एक्स इक्वल टू sin 2x इन
जीरो से टू बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू नंबर चार। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें फलनों के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने हैं दिए गए अंतराल में, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है इंटरवल में। तो इसमें क्या तरीका बताया था मैंने, आप फंक्शन लिखेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे, ठीक है, एफ डैश एक्स को जीरो करने के बाद टर्निंग पॉइंट्स निकालेंगे, टर्निंग पॉइंट्स निकालने के बाद हम फिर एफ डबल डैश एक्स नहीं करेंगे, टर्निंग पॉइंट्स और ये क्लोज इंटरवल की जो वैल्यूज हैं वो हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर वन, एफ एक्स ये हमें दिया गया है फलन एक्स क्यू, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन, इंटरवल दिया है माइनस टू से लेके टू, ऑन डिफरेंशिएट इसको एक बार अवकलन करो, इसका अवकलन आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। फिर हम इसको टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, फोर टर्निंग पॉइंट हिंदी में बोलेंगे परिवर्तन बिंदु या चरम मान के लिए, माने उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए एफ डैश एक्स को क्या कर दिया जाता है, जीरो। फिर हम एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ये थ्री तो जीरो हो नहीं सकता, तो एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज हो गई कितनी, तीन, एक दो तीन, तीनों वैल्यूज पर हम टेस्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ, नंबर वन, नंबर दो, नंबर तीन, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एक्स इक्वल टू माइनस टू पर, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एक्स इक्वल टू जीरो पर, और फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एक्स इक्वल टू टू पर। ये तीनों वैल्यूज़ में कंपेयर करेंगे कौन ज़्यादा दे रहा है, कम, कौन सा सबसे कम वैल्यू दे रहा है। एक्स की जगह माइनस टू रखिए मेन फंक्शन में, इसमें तो माइनस टू की पावर थ्री देगा माइनस एट, ओके। इसमें हम जीरो रखेंगे तो जीरो मिलेगा, और प्लस का टू रखेंगे तो एट मिलेगा। तो एफ डबल डैश एक्स तक नहीं पहुंचना, एक बार फिर सुन लो, इन सारे सवालों में केवल फंक्शन लिखना है, एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स को जीरो करना है, टर्निंग पॉइंट्स निकलेंगे, टर्निंग पॉइंट एक निकले, दो निकले, तीन निकले, जितने भी निकले, और उसके बाद हम ये इसकी एक्सट्रीम वैल्यू माने इसका लोएस्ट और इसका हाईएस्ट मान, ये सब तीनों, जैसे इसमें ये टर्निंग पॉइंट जीरो निकला और बाकी की एक जे तीन वैल्यू हो गई, तीनों वैल्यूज़ को हमने किस में रखा, फंक्शन, मेन फंक्शन में, फंक्शन में रखने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, एब्सोल्यूट मिनिमम माने निरपेक्ष निम्निष्ट मान, और प्लस एट ये, हाँ ये मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम। हाँ, सवाल नंबर चार का चौथा तीसरा भाग, तो सवाल नंबर चार का तीसरा भाग बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। हम जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालें, मतलब उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालें, अंतराल दिया हो, तो सिर्फ इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, ऑन डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स इक्वल, एफ डैश एक्स कितना, पी एफ ए रूल से साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस टू एक्स, फिर एंगल का करेंगे टू एक्स का तो टू और आ जाएगा, ठीक है, ये तो इसको इक्वेशन बन दे दो। फोर टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स माने आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं चरम मानों के लिए, चरम मानों के लिए, हाँ
चरम मानों के लिए एफ डैश एक्स को जीरो करिए, तो टू कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो टू तो जीरो हो नहीं सकता, कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो। अब ध्यान 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 रखना है आप लोगों को, कॉस की वैल्यू एंगल कितना भी हो जीरो है, तो कॉस की वैल्यू जीरो हमें जब जब मिल कब मिलेगी, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर, यानी टू एक्स इक्वल टू पाई अपॉन टू पर, टू एक्स इक्वल टू थ्री पाई अपॉन टू पर, टू एक्स इक्वल टू फाइव पाई अपॉन टू पर, और टू एक्स इक्वल टू सेवन पाई अपॉन टू पर, एंड सो ऑन ऐसे चलता चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक्स कितना आएगा, एक्स आया यहाँ पाई अपॉन फोर, माने कुल मिला के एक्स इक्वल टू 45 डिग्री, और एक्स इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर, इस टू का डिवाइड दे दिया तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू 135 डिग्री, और यहाँ से एक्स आ जाएगा 5 पाई बाई फोर, मीन्स एक्स इक्वल टू 225 डिग्री, और यहाँ से एक्स आ जाएगा 7 पाई बाई फोर, तो एक्स इक्वल टू 45 गुणा 7 315, ठीक है 315 डिग्री आ जाएगा। तो ये इतने क्यों निकाले, क्योंकि हमें जो रेंज है वो 0 से 360 तक, तो 0 से 360 तक इसके जो टर्निंग पॉइंट्स हैं ये होंगे, इतने होंगे 0 से लेके 360 तक आ रहे हैं वो सारे। हम आगे भी ले सकते थे 9 पाई अपॉन 2, लेकिन x की वैल्यू 9 पाई अपॉन 4 निकलती है, तो 9 पाई अपॉन 4 हो जाती 360 और 45 405 डिग्री, जो इसकी रेंज से बाहर हो जाता, इसलिए हमें टर्निंग पॉइंट्स इतने निकले। और ये एक और दो, तो चार जे दो जे, छह वैल्यू हो गए। हम छह वैल्यू रखेंगे फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू, इसमें एक्स की वैल्यू रखें सबसे पहले जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ओके नंबर दो, चलो पॉइंट ऐसे दे दो। फिर हम फंक्शन में रखेंगे एक्स की जगह कितना, पाई अपॉन फोर, तो साइन टू पाई अपॉन फोर, माने साइन पाई बाई टू हो जाएगा वन, ओके। तीसरी एफ एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू रखेंगे कितना, थ्री पाई बाई फोर, माने 135 डिग्री, तो साइन थ्री पाई बाई टू हो गया, साइन 270 की वैल्यू माइनस वन, याद कर लो, वैसे ऑल सिल्वर टी कप से निकाल सकते हो, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू, अब रखेंगे एक्स इक्वल टू फाइव पाई बाई फोर, तो साइन फाइव पाई बाई टू हो जाएगा, साइन फाइव पाई बाई टू का मतलब हो गया 90, 90 गुणा 5 फाइनल 45 450 डिग्री, या इसकी वैल्यू देखें साइन, हम इसको 5 पाई बाई टू को 2 पाई प्लस पाई बाई टू में ब्रेक कर दें, तो ये तो 2 पाई को जीरो कर देंगे, तो साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू माने प्लस 1 आ गया, ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बन गया। पांचवा एफ एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू, जितने भी टर्निंग पॉइंट्स निकलेंगे वो रखने पड़ेंगे भाई, 7 पाई बाई फोर, तो ये आ जाएगा साइन 7 पाई बाई टू, साइन 7 पाई बाई टू को लिख सकते हैं कितना, 4 पाई माइनस पाई बाई टू, 4 पाई जीरो हो गया, तो साइन माइनस पाई बाई टू माने माइनस वन बचेगा। और 6 लास्ट एफ एक्स, एक्स की जगह कितना 2 पाई, तो साइन 2 पाई माने 4 पाई हो जाएगा, साइन 4 पाई की वैल्यू जीरो, पाई के साथ तो कोई भी इंटीजर हो उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो ये हमारे पास 6 वैल्यूज़ हो गई। 6 वैल्यूज़ में हम कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे, मतलब फाइनल आंसर लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इसकी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ये 1, और मिनिमम वैल्यू देगा ये -1, ओके। देखो
सबसे बड़ी वैल्यू मेरे को तो 1 दिखाई दे रही है और सबसे मिनिमम वैल्यू मेरे को -1 दिखाई दे रही है। तो हम सबसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम माने हो गया सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू आपको यहाँ आंसर में लिखना है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन दिया है पावर 4 वाला पॉलिनोमियल है, मतलब 4 कोटि का बहुपद है, ठीक है, और इसका अंतराल दिया है और हमें इसी अंतराल में क्या निकालना है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान। आपको परिवर्तन बंद माने क्रिटिकल पॉइंट निकालने ही पड़ेंगे, वही सवाल नंबर 4 वाला मेथड लगाएंगे। जब भी फलन और अंतराल दिया हो तो आप फलन लिखो, एक बार अवकलन करो, फिर एफ डैश एक्स को 0 कर दो, फिर एक्स के मान निकालो, फिर एक्स के जो मान निकलेंगे वो वाले मान और ये दोनों मान, ये चारों की चारों मान या 5 मान जितने भी हैं वो हम रखेंगे फंक्शन में, फिर कंपेयर करेंगे कि उन 5ों मानों में कौन सा उच्चिष्ट है कौन सा निम्निष्ट है। ओके चलो, ऑन डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4 तिया 12 एक्स क्यू, 8 तिया 24 एक्स स्क्वायर, 12 दुनी 24 है ना, डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर आगे आ जाती है, ठीक है 24। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे चरम मानों के लिए माने 4 टर्निंग पॉइंट, 4 टर्निंग पॉइंट्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 12x³ 24x² + 24x - 24 = 0। अब ऐसा करो इसमें 12 का डिवाइड दे दो, तो x³ - 2x² + 2x - 2 = 0। अब हमें इसके फैक्टर्स करना है, अगर मैं x कॉमन करूं, ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पावर 3 वाले के फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं, हम यहाँ पर 2 के जितने भी फैक्टर्स होंगे कितने होंगे, 1 होगा 2 होगा, तो x की जगह हम इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, पहले हम इसमें x की जगह 1 पुट करें, तो 1 पुट करेंगे तो ये 1 - 2 + 2 - 2 ये ≠ 0। ठीक है, अब x की जगह -1 रखें, तो -1 रखेंगे तो ये -1 है ना, और -1 और यहाँ जो -2 ही रह जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 ≠ 0। फिर हम पुट करेंगे x की जगह कितना, 2 पुट करो तो ये आ जाएगा 8 और 2 दुनी 4 दुनी 8, 2 दुनी 4 माइनस के 2, तो ये भी ≠ 0, ये कट गए 2 बच रहे हैं, और x की जगह -2 करें तो ये दे देगा -2, तो -8 और 2 दुनी 4 माइनस का 8 माइनस के 4 -2 ≠ 0। इसका सेंस निकलता है कि इसके फैक्टर्स नहीं होंगे, इसके गुणनखंड नहीं होंगे, तो हमारे पास केवल ये 2 वैल्यूज ही रह जाती हैं, मतलब हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकला, ठीक है इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलेगा, तो हम यहाँ पर केवल ये 2 वैल्यूज पर ही चेक करेंगे। एक हम x की जगह 0 रखेंगे मेन फंक्शन में, x की जगह 0 रखें, 0 0 0 0 25, ओके फिर हम रखेंगे इसमें x की जगह कितना 3, x की जगह 3 रखेंगे तो 3 × 3⁴ -8 3⁴ +12 3² -24 × 3 +k² 25, तो जी आ जाएगा 3 × 3 = 29, 27 * 3 = 81 हो गए, और 3 × 2 = 27, 8 × 27 और 3 × 9 = 12 और 24 × 3 = 72, 24 * 3 = 72, 3 × 4 = 3 है ना, +k² 25, तो ये आ गया 3 × 3 = 8 = 24 और 8 × 7 = 56 की जैसे लाई 5, 8 × 2 = 16, 16 × 5 = 21 और 12 × 9 = 108, 9 × 2 = 18, 1 × 9 = 10, ठीक है, और -k 72 और +k 25।
प्लस प्लस के ऐड कर दो, तो प्लस प्लस के कितने हैं, ये और ये और ये, तो ये आ जाएंगे, इधर ऐड कर दो 243 और 108 और ये 25, तो ये हो गए 8 और 5 13, 13 3 16 की 6, इसला की 1 4 2 6 1 7 और 2 1 3, ठीक है, 8 और 5 13, 13 3 16, 16 की 6 4 2 6 1 7, 2 1 3, 376 पॉजिटिव हो गए। और नेगेटिव देखते हैं कितने, 216 और 72, ठीक है, 216 और 72, तो 6 और 2 8, 7 और 1 8, 288, 288। अब इसमें से 16 में से 8 गए तो 8, और 17 में से 9 गए तो 8, 3 में से 88, बस। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हमारी मिनिमम वैल्यू 25 है, मैक्सिमम वैल्यू 88 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और आंसर हम लिख देंगे मैक्सिमम कितनी, 88, मिनिमम 25, यही आंसर है हमारा, क्योंकि टर्निंग पॉइंट कोई निकला नहीं। पांचवे का दूसरा, ये भी बिल्कुल उसी जैसा ही सवाल है, फंक्शन लिखा फिर इसको डिफरेंशिएट किया, 3x² 18 दूनी 36x और प्लस का 96, ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फिर लिखेंगे 4 टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट्स चरम मानों के लिए, f' को 0 करिए, तो 3x² माइनस के 36x प्लस के 96 इक्वल टू 0, 3 का भाग लगा दो तो x² 3 एकम 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 3 दूनी 6, 8 चौक 32, मतलब x माइनस 4 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारे अब निकले पॉइंट्स, देखो पिछले सवाल में पॉइंट्स नहीं निकले थे टर्निंग पॉइंट्स, यहाँ पे x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 8, दो टर्निंग पॉइंट्स निकले और दो बो दिए हैं, तो चार वैल्यूज हो गई। चारों वैल्यूज को हम चेक करेंगे। नंबर एक, फंक्शन में सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, तो एक्स की जगह 0 रखो तो 0 0 0 पूरा 0 हो जाएगा, चलो छोड़ो। नंबर दो, एफ एक्स, अब एक्स की जगह हम रखेंगे 4, ठीक है, तो एक्स की जगह 4 रख दो तो 4 का क्यू 18 गुणा 4 का वर्ग 96 इंटू 4, ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 18 गुणा 16 प्लस 96 का 4 गुणा 6 चौक 24, ये ऐसा करो 100 मान लो, 100 के 400 और 400 100 के 400, ठीक है, और 4 चौक 16, 16 घटा दो 400 में से, 16 घटा देंगे तो 384, 384 आना चाहिए, गुणा करके देख ले भाई, 6 चौक 24 की 4 जसला की 2 और 9 चौक 36 2 38, सही है। तो ये दे रहा है 64 और 384 ऐड कर दो, 4 और 4 8, है ना, प्लस प्लस के ना, 4 और 4 8, 8 और 6 14 की 4 जसला की 1, 3 3 1 4 48 और 18 16 का गुणा हो जाएगा, 18 16 का गुणा करना पड़ेगा, 16 का पहाड़ा तो याद है नहीं, ठीक है, 16 16 दूनी 32 16 दूनी 32, 32 के 64, 64 128, 128 की 8 फैसला की 12 और 16 कम 16, 16 और 12 28, और जी तो ये आया 8 में से 8 गया 0, 14 में से 8 गए तो 6, 4 में से 3 गया 160, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा फंक्शन एफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रखना है, अब 8, बड़े तगड़े काम है, एक्स की जगह 8 रखो, 8 का क्यू 18 इंटू 8 का स्क्वायर 96 इंटू 8, ओके, चलो
चौथा हमें वैल्यू रखना है एफ एक्स एक्स की जगह 9, तो एक्स की जगह 9 रखना है, तो 9 का क्यू 18, 9 का स्क्वायर 96 इंटू 9, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके इन चारों वैल्यूज़ में ये पता लगा लेना कि कौन सी मैक्सिमम है कौन सी। नंबर 5 का तीसरा सवाल, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x और इंटरवल है 0 से 2π। मेथड हम वही लगाएंगे, फंक्शन लिखेंगे, टर्निंग पॉइंट्स निकालेंगे और फिर टर्निंग पॉइंट्स और ये एक्सट्रीम वैल्यूज इन सब को उस फंक्शन में रखेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू कितना है ऑन डिफरेंशिएटिंग एफ डैश एक्स 1 प्लस 2 cos 2x, ठीक है। 4 टर्निंग पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0, तो cos 2x इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1/2। अब देखो यार cos 2x में -1/2 किस किस की वैल्यू होती है 0 से लेके 360 तक। अब याल वाले सवाल की तरह हम इसके पॉइंट्स निकालेंगे, पॉइंट्स एक्स इक्वल टू मतलब 2x इक्वल टू एक तो 2π/3 देगा, माने x इक्वल टू दे गया पाई अपॉन 2 से 2 काट दो, पाई अपॉन 3 मिला हमें, ठीक है। फिर उसके बाद 2x इक्वल टू नेगेटिव, हमें पता है कॉस नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में और सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। जिस सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस मतलब पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। तो ये देगा 4π/3, 4π/3 इसका मतलब इधर लिखते जाते हैं पॉइंट्स इधर लिखते हैं क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। तो एक्स की वैल्यू 1 आई π/3, 1x इक्वल टू आएगा यहाँ से 2 का डिवाइड देने के बाद 2π/3, ठीक है। अब निगेटिव वैल्यूज, अब हम क्या करेंगे, हर एंगल में 2π ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे टर्निंग पॉइंट्स बस यही निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 2π ऐड करेंगे तो उसमें पहुंच जाएगा 360 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 cos 2x -1/2 एक तो सेकंड क्वाड्रेंट देगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, और ये एक 2x देगा थर्ड क्वाड्रेंट, मानी पाई प्लस पाई बाई 3 करके निकाला हमने तो 2π/3 आया, है ना। बस अब ये चारों पॉइंट्स हम फंक्शन में रखेंगे, ओके। एफ एक्स एक्स की वैल्यू 0 रखें, तो 0 रखेंगे तो 0 sin 2 × 0, फाइनली आंसर 0। फिर हम रखेंगे एफ एक्स की, एक्स की जगह रखेंगे π/3 फंक्शन में, तो π/3 प्लस sin 2π/3, तो ये देगा π/3 प्लस sin 2π/3, माने sin 120 की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी √3/2, ओके। और तीसरी वैल्यू रखेंगे एक्स की जगह कितना 2π/3, तो 2π/3 प्लस साइन हो जाएगा यहाँ 4π/3, और 4 तो 2π/3 माइनस के √3/2 दे देगा, ठीक है। और अब हम फाइनली एक्स की वैल्यू रखेंगे 2π, तो ये देगा 2π, यहाँ रख रहे हैं 2π sin 4π, साइन में तो 4π 5π कुछ भी हो यही देगा, sin 2π 2π बचेगा। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये मिनिमम वैल्यू है, मतलब सबसे छोटा मान यहाँ ये है 0 पर, कितना 0 ही है, और ये मैक्सिमम है ये, ओके। तो आंसर में आप लोग लिख देना, क्या लिखोगे आंसर में, उत्तर में क्या लिखोगे,
कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 एट एक्स इक्वल टू 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी 2 पाई एट एक्स इक्वल टू कितने पर 2 पाई पर। ये हमारा फाइनल आंसर है। आज इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट फिर मिलेंगे। ओके।